आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान में सेकेंड चैप्टर श्वसन या रिस्पायरेशन पर अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है श्वसन। श्वसन या रिस्पायरेशन जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो जीवों में कोशिकीय स्तर पर अर्थात किसी भी सजीव में उनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का हमारे शरीर या किसी भी जीव के शरीर में के जैविक कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा विभिन्न पदों में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीकरण होता है और उसके पश्चात वह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है और उसके साथ साथ कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा कोशिका के अंदर एटीपी के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। अब इसको एक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, C6H12O6 +6O2। तो अभी आपको ऊपर बताया गया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हो गया, उसका ऑक्सीकरण होता है जो किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो 6CO2 अर्थात 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 6 जल के अणु उत्पन्न होते हैं और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा को एटीपी के रूप में कोशिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है। अब आपका अगला टॉपिक है श्वसन एवं दहन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड कम्बस्चन। श्वसन एवं दहन दोनों में ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 बनते हैं, किंतु दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है।
देखिए श्वसन और दहन दोनों क्या है, ऑक्सीकरण की ही क्रिया है, दोनों में ऑक्सीकरण होता है, श्वसन और दहन दोनों में ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, दोनों में ऊर्जा भी मुक्त होती है और ये दोनों क्रियाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होती हैं, फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। अब देखिए श्वसन और दहन, श्वसन क्या है, यह क्रिया सजीवों में होती है, इसका पहला टॉपिक है कि श्वसन की जो क्रिया है वो सजीवों में होती है और दहन की जो क्रिया है किसमें होती है, भौतिक वातावरण में होती है, अर्थात जितने भी सजीव कोशिकाएं हैं, जो भी सजीव हैं, तो उनके अंदर जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उनके जैविक क्रियाओं को करने के लिए, वो सभी ऊर्जा किसे किसके प्रेजेंस में उत्पन्न होती हैं, श्वसन क्रिया के। और वही जो दहन है, तो दहन जैसे कोई भी डीजल गाड़ी है, चाहे पेट्रोल गाड़ी है, चाहे किसी भी ईंधन से के द्वारा चलाई जाने वाली जो भी गाड़ियां हैं या मशीनें हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, ईंधन डाल करके और उसको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है, वो भी क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीकृत होता है, तो उससे भी ऊर्जा होती है। तो बस दोनों क्रियाएं सेम है, एक ही जैसे होती हैं, बस फर्क इतना है कि ये सजीवों में होने वाला है श्वसन, अर्थात निर्जीव कभी भी श्वसन क्रिया नहीं करते और सजीव जो है वो श्वसन क्रिया करते हैं, तो सजीवों में श्वसन क्रिया के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है और निर्जीवों में दहन प्रक्रिया के पश्चात। अब अगला टॉपिक है, इसी का अगला पॉइंट है, इसमें ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई चरणों में मुक्त होती है, इसमें संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि श्वसन में जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे निकलती है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया है वह बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे, क्योंकि यह एक सजीव के अंदर की बात है, सजीव के अंदर का जो सिस्टम है वो उसका उसके अनुसार ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे स्टेप वाइज होती हैं। तो जैसे ऐसे ये एक एक इसका जो स्टेप होता है, एक एक जो इसका प्रक्रिया होती है होती जाती है, ऐसे ऐसे ऊर्जा निकलती जाती है। लेकिन जो भौतिक वातावरण है उनमें क्या होता है, एक ही बार वो कम्बस्ट होकर के जल करके और ऊर्जा मुक्त कर देता है। अगला पॉइंट है, विमुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचय की जाती है, विमुक्त ऊर्जा का संचय नहीं। अब देखिए जितने भी जैविक हैं, जो भी सजीव हैं, उनमें जो भी ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा किसके रूप में, एटीपी के रूप में कोशिकाओं में संचित कर ली जाती है, और जैसे जैसे कोशिकाओं को उस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कोशिकाएं क्या करती हैं, ऊर्जा लेकर के अपना कार्य करती रहती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो भौतिक वातावरण में जो भी संसाधन हैं, तो उनमें जो भी ऊर्जा निकलता है वो तुरंत उसका उपयोग कर लेता है, उसका संचय नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, एटीपी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है, जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। ऊर्जा पूरी ऊर्जा तेजी से विकसित होता जाता है, निकलता जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि श्वसन में कि जो भी ऊर्जा होता है तो जैसे ऐसे निकलता है वैसे वैसे वो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, और जैसे जैसे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है ऊर्जा की, वैसे वैसे क्या करती हैं, वो उसे लेकर के अपना कार्य करती रहती हैं। लेकिन भौतिक संसाधनों में देखा जाए तो जो भी ऊर्जा होती है वो एक ही बार निकलती है और वो उसमें क्या होती है, यूज कर ली जाती है, उपयोग कर ली जाती है। अगला पॉइंट है कि श्वसन क्रिया एंजाइम की मदद से सामान्य शारीरिक ताप पर होती है, इसमें इस क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेता, यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। देखिए जो श्वसन की क्रिया है, तो आप सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो सजीवों में होती है, तो सजीवों के शरीर का एक तापमान जो होता है वो निश्चित होता है और वह एक नियत ताप पर ही होती है, और इसमें बिना एंजाइम्स के हेल्प के श्वसन क्रिया नहीं हो सकती। लेकिन
जो भौतिक संसाधन है इनमें एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती और उनमें जो भी श्वसन की प्रक्रिया सॉरी जो भी दहन की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, उच्च ताप पर होता है, अर्थात उनको उच्च ताप चाहिए। इसीलिए देखते हैं कि क्या होता है, गाड़ियाँ जब चलती हैं तो हीट हो जाती हैं, गर्म हो जाती है, क्योंकि उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जैसे उसको रोक दिया जाता है, खड़ा कर दिया, धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। लेकिन क्या सजीवों के अंदर ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि सजीवों का जो तापमान होता है वो क्या होता है, समान रहता है।